9:15 ट्रिप का टाइम था और 9:50 हो गए हैं और अभी तक पब्लिक यहाँ वेट कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी द फ्यूट के सिंगर्स सरमद और उमैर, साथ मौजूद हैं लॉ के स्टूडेंट्स आफाक। क्या हाल है भाई? ठीक, आप सुनाएं सरमद भाई, कैसे? जबरदस्त। सुनाओ फिर, एक्साइटेड हो ट्रिप के लिए? पहला ट्रिप था, पता लगेगा। और भाई जान, कोई हिसाब किताब बताएं, आप तो मैनेजमेंट में हैं। सुबह सुबह का टाइम है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, वेट कर रहे हैं लोगों का। 9 बजे का बोला था निकलने का, अभी 10 के करीब होने वाला टाइम। बस फिर ये इस तरह की मिसमैनेजमेंट तो होती है। ये हमारे पास गाड़ियाँ मौजूद हैं और वो खड़ी है जी शानदार शाही सवारी की, जिस पर जाना है ट्रिप। लोग सारे इंतजार कर रहे हैं। 10:08 हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर आवाम खड़ी है। मज़े की बात यह है कि जी प्रोग्राम जो है, क्या बढ़ गया है प्रोग्राम? प्रोग्राम बढ़ गया है। इस बढ़ने की कहानी ये है कि जो ये हमारी कोस्टर खड़ी है और ये भाई साहब इसके ड्राइवर हैं, अब पता चला है कि इनको गाड़ी चाहिए और ये यहाँ से जा रहे हैं। और अब ये सारा सिस्टम पैक हुआ पड़ा था, लेकिन अब कोई नई गाड़ी अरेंज हो रही है, देखें कहाँ जाके क्या बनता है। रियासत नाम से पूछते हैं कि मामला क्या चल रहे हैं जी भाई? प्रोग्राम बढ़ गया है। बढ़ तो गया, आगे क्या होने वाला है? सर ये खड़े रहेंगे, हम चले जाएंगे। मतलब कोई सीन नहीं नजर आ रहा कि गाड़ी छड़ी मंगवा रहे हैं? नजर मंगवा तो रहे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। वो कह रहे हैं और ट्रिप वाली शायद आएगी, लेकिन वो भी इशू हो सकता है रास्ते में, कहना जाना है। एक दफा बनते हैं, बंदे ज्यादा हो गए हैं लिस्ट में, बंदे कम है, जगह भी आपके लिए कम है अंदर। अब क्या किया जाए, सारों को डाले पे बिठाएं, फिर डाले के पीछे ट्राली लगा दें, ये ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर दूसरी गाड़ी आ गई है, पहली गाड़ी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी गाड़ी आ चुकी है। पहले से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, अंदर बैठने में कंफर्टेबल है। चलो अंदर से गाड़ी का व्यू दिखा देते हैं एक दफा। तो ये है जी गाड़ी जिसपे हमने जाना है आज। के रोले खत्म होंगे तो हम यहाँ से निकलेंगे। फिर भी निकल जाएंगे। I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two rooms can make a right. यहाँ पर किन्नू लेने के लिए भाई साहब रुके। पूरा ये काफला यहाँ से किन्नू लेने के लिए रुका पड़ा है। और ये यहाँ पर अभी ब्रेक लगी है। और भजन क्या हाल है, ठीक ठाक है? हाँ भाई, कैसा फील हो रहा है? बस स्लो चल रही है, बस भाई जो फिर 40 की स्पीड पे जा रही है, 40 से भी नीचे, 40 तो मैं जा रहा हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी को घंटे से 50 की स्पीड पे चल रहा चलाते हुए पेट खराब हो रहा है। नहीं, स्पीड हो रही है ये गाड़ी, स्पीड वाली। अब तो बस आगे चली गई है, देखना क्रॉस कैसे करते हैं, देखते हैं। ये जी सड़कों का हाल है, यहाँ पे आप गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी भी हल्की फुल्की हिल रही है, लेकिन ये हल्का फुल्का जो बस वालों के लिए है ना, वो हल्का फुल्का नहीं होगा। तो बाहर निकले हैं अभी फिलहाल बसेस के इंतजार में, बसेस नहीं बस के इंतजार में, एक ही बस है। वी आर वेटिंग, वेटिंग आ गई भी बस, वो पीछे अभी। चलो पहुंचो फिर। तो ये है वो जगह जहाँ लास्ट टाइम हम आए थे और गड़बड़ी जा रहे थे, तो यहाँ रास्ता बड़ा ख़राब था जिसकी वजह से हमें वापस जाना पड़ा था, लेकिन आज यहाँ ठीक है और आज गाड़ी भी हमारे पास चेंज है, तो इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँचेंगे और दिखाएंगे वहाँ क्या हालात हैं। तो आप जी वीडियो के चक्कर में हमने चेंज किया गाड़ी, क्या कह सकते हैं इस चीज़ को, हम तरक्की तो नहीं कहेंगे कि रोको से हम कंटस में आए हैं, लेकिन मट्टी में डूबे हुए हैं। मट्टी में इस टाइम आप अगर देखेंगे सब आए मट्टी ही मट्टी हुई पड़ी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का शीशे बंद है। एडवेंचर बहुत ही मजे, एडवेंचर हुआ पड़ा है, एडवेंचर मतलब सुबह से ही चल रहा है। पहले एक दफा हम आए हैं, फिर लेट हुआ है, फिर ड्राइवर ने अपनी औकात दिखाई है, उसने कहा मैं नहीं जा सकता, और क्योंकि गाड़ी जो है वो किसी बंदे की है, और कहाँ कंपनी की है एफएससी की है, तो वहाँ वापस जानी है, तो कर करा के खैर गाड़ी तो मिली। बाकी इंशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया, सफर बहुत मजेदार है, बड़ा मजेदार है। बाकी चल के दिखाते हैं आपको आगे, बाकी वहाँ जो मेन जो सीन है वो वही होगा जाके, उधर का जो खूबसूरत मंजर है, ऐसा व्यू हो कि देख के फिर सारी थकावट खत्म हो जाए। बाकी जितना भी हो गया
बाकी हम आपको जगह पे जाके मिलते हैं। फाइनली ब्रदर आपके सामने कटबेरी। ये कटबेरी। हां जी ब्रदर। ये है जी गटबेरी। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे झूल रहे हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं। बाकी हम कोस्टर वालों से पूछते हैं कैसा रहा सफर भाई आपका? गुड था यार, मजा आया, बहुत शुक्र लगा, बहुत मजा आया। सनत भाई ने फुल जैमिंग का सीन बना के रखा है हमारा, जैमिंग की है पूरी, इन्होंने सबको एंटरटेन किया वहाँ पे माशाल्लाह। हम तो यहाँ समझ रहे थे कि शायद बस वाले खड्डों में से गुजर रहे होंगे, बड़ा ओखा सोखा। आपने मिस किया ये सारा कुछ, आपने मिस किया है ना, जिसके ऊपर इसने डाले की बॉडी लगाई, ये भटती है खड्डों में। रैस अदनान क्या कह रहा है ये बंदा? बाकी कोस्टर पे हम लोग एकदम ओके होके आए हैं, रैस अदनान की वजह से हुआ है यार। ये तो आगे ना होते तो हम कैसे पहुंचते, ये आज ना होते तो फिर बात तो सही है। ये हमारे साथ मौजूद हैं जी मीना। ये मीना है वो शख्स जिन्होंने रात, मीना है वो औरत, मीना है वो क्या बोलें, वो इंसान, मीना है वो इंसान जिन्होंने रात मुझे मेरे से सवाल किया कि जाना है कि नहीं, और यूं बात करते मेरा मूड बना, जब मेरा मूड बना सुबह तो कहती मैंने नहीं जाना। मेरा कैंसिल हो गया तब। तो ये अजीब कश्मकश 15 मिनट के अंदर फैसला हुआ है, 8:30 आँख खुली है तो उसके बाद बस इरादा बने और आज हम इधर हैं, तो कुछ भी नहीं पता होता जिंदगी का। अच्छा डिसीजन था, मेरे आने का मकसद सिर्फ ये था कि आखिरी सेमेस्टर है मैंने का, मतलब आखिरी तो नहीं है लेकिन आखिरी शुरू होने वाला है, तो कहाँ रोज़ रोज़ ट्रिप मिलते हैं, इस यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। और जो ये सोसाइटी एक वाहिद थी जो कि ट्रिप पर लेके जाती थी, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी वाले इजाज़त नहीं देते थे जो प्राइवेट बने। तो कैसा रहा सफ़र आपका? मेरा काफ़ी अच्छा रहा वैसे, इन्जॉय किया हमने ना चाहते हुए भी करना पड़ा। ये है जी गटबेरी लेक जिसका बड़ा नाम सुना है, आज इसको देख लिया। ओ वहाँ बोटिंग हो रही है। अच्छा ये सीन है और ये काफ़ी फैली लेक है। अब हमारे साथ मौजूद हैं सर अरसलान, इस सोसाइटी के हेड एडवाइज़र जो के वाइज बंदे हैं जिनको मैंने देखा है इस यूनिवर्सिटी में मेहनत करते हुए और बग़ैर किसी फ़ायदे के स्टूडेंट्स के लिए काम करते हुए कि इवेंट वगैरह हों। तो कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सर कैसा फील हो रहा है आपका एक ट्रिप माशाल्लाह आखिरकार पहुंच ही गया? बस ये ट्रिप जो है स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ की और मैं स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ हमेशा। जी जी बेशक सर, उसका तो इसमें ये है कि स्टूडेंट को कोई माइंड रिलैक्स करने के लिए भी एक्टिविटीज़ चाहिए। बेशक सिर्फ पढ़ाई तो नहीं है, साथ साथ और एक्टिविटीज़ जो उनको मैनेजमेंट भी सिखाती हैं और उनको पीस ऑफ माइंड देती हैं, रिलैक्स करते हैं स्टूडेंट, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो ज़रूरी हैं लाइफ में। तो सर आज का इवेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और अभी मज़ीद कामयाब होगा, तो आगे के क्या प्लान्स हैं, आगे स्टूडेंट्स क्या उम्मीद रखें? कुछ भी नहीं होगा कि जो कि जो आज नहीं आ सके तो जब वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको होगा कि आगे भी लेके जाएं। फिलहाल जो है हम लोग प्राइवेटली ही ऑर्गेनाइज करें, ये भी प्राइवेट ही पूरा ऑर्गेनाइज। सर स्टूडेंट्स को ना असल में यूनिवर्सिटी की किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं रहा, तो वो इसलिए चाहते सब हैं लेकिन आ नहीं पाते कि उनको यकीन नहीं होता कि मसाइल है, उनकी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं आजकल। तो हम लोग इंशाल्लाह जो आगे ट्रिप्स हैं, एक तो कश्मीर का है प्लान, कश्मीर का ट्रिप 3-4 डेज का। ओके तो वो भी पूरा प्राइवेटली ऑर्गेनाइज करना है, बस यूनिवर्सिटी को हमने एक कंसेंट देना है कि हम जा रहे हैं स्टूडेंट्स के। उसके अलावा एक हुंजा का अप्रैल में प्लान है, वो हमारे स्टूडेंट हैं हुंजा के, वही पूरा होस्ट करेंगे। ओके ठीक है। और एक दो इवेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही करने हैं हमने यूथ कार्निवल के नाम से, तो उनको भी एक दो दिन का प्लान करना है इंशाल्लाह, वो एक्टिविटीज़ जो है ना डिसाइड करके पूरा उसको लॉन्च करें। मीन के इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं आगे, बस जो है बस स्टूडेंट जो है वो थोड़े एक्टिव हों। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है जी फिर गटबेरी, यहाँ पे छोटा सा पार्क बच्चों के लिए बनाया हुआ है, झूले झूले लगाए हुए हैं, बाकी इधर आगे हट्स वगैरह बने हुए हैं, इधर बेंच लगे हुए हैं जहाँ बैठ सकते हैं, और आगे ये छोटा सा मीनार पाकिस्तान भी है, और यहाँ पर फिर आगे फैमिली एरिया है, ये हिस्सा फैमिली एरिया है, वो आगे ओपन एरिया है। फिलहाल सारे खाना खाना खा रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा विज़िट करा दें, तो ये हालात हैं यहाँ। अभी बोटिंग शूटिंग करते हैं तो थोड़ा और सीन बनेगा। बाकी इधर वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम अच्छे हैं, साफ़ हैं, और बस यही है, दैट्स इट।
चलो जी, झूमर स्टार्ट हो गया है जी। सराइकी लोग जहाँ जाएं और झूमर ना करें ऐसा नहीं हो सकता। आ जा भाई। झूमर वाले झूमर कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं, तुम्हें झूमर झूमर आता नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ। बोटिंग ये है किश्तियों की तरफ, एक ही बात है, उर्दू और इंग्लिश का फ़र्क है। अब हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ, ये बोट्स हैं, फैमिलीज भी आई हुई हैं, तो वहाँ हम पहुँच के दिखाते हैं हिसाब किताब कहाँ तक जाते हैं, क्या हिसाब होता है, मज़ा आएगा। ओ जी, सेफ्टी फर्स्ट, और यहाँ सबने जैकेट पहनना शुरू कर दिए हैं। रैस को पता नहीं कैसे पूरी आ गई है, बट बस जलवा है हमारा। बड़ी सी, बड़ी समरान का क्या देख लिया मैंने। मैं यहाँ आगे आगे आ जाता हूँ, तू खड़ा रही है, तू डर गया। आ जा, वो पैर रखने की जगह नहीं बैठ। हाँ हाँ ठीक है, पता है पता है। हेलो, काफी खूबसूरत नजारा। तो ये एक बात का जवाब है जी, हम छड़े लड़के मर गए फिर बस में सिंगल लाइफ डायरेक्ट हूरों के पास जाएंगे। हाँ 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 जी, क्या हालत है आपकी? चल ब्रो, नो इशू ब्रो, डर के आगे जीत है ब्रो। जब कैमरा बंद होता है ना तो उसकी दिखाते हैं, कैमरा बंद होता तो कहते हैं कि भाई रेस को निकलते हुए दिखाना। हाँ भाई, रेस कैसा रहा सफर? आउटस्टैंडिंग। हाँ फाक, तेरा कैसा रहा सफर? मजा आ गया। 1500 टिकट है जी, 8 मिनट की बोट की, और पैसे पूरे करते हैं। 5 बंदे जा सकते हैं, 5 बंदे जा सकते हैं, छठा जो होता है वो बंदा चला रहा होता है। काफी मजा आया। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला, तू मेरे बस में मौजूद हो। चलो जी, खत्म यहाँ पर हमारा ट्रिप, अब वापसी की तैयारी। हाँ इब्राहिम, तो कैसा रहा? बस बहुत मजा आया सर, आप बस घर जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा गाया आज, बहुत अच्छा गाया आपने। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है जी, तो अब वापसी की तैयारियाँ शुरू हैं, सामान समेट रहे हैं। कोशिश की है आपको वीडियो दिखाने की जो यहाँ पे हिसाब किताब हुआ है, मजा आया काफी। वैसे जो भी आपकी चीज़ें हुई हैं, सुबह बस का मसला बन गया था, वो भी ठीक हो गया अल्लाह का शुक्र। आ गए, इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और आपके साथ शेयर भी किया। तो आइंदा जो भी छोटी मोटी चीज़ें भी हों, आवाम शिकायत करती है कि बड़ा ट्रिप क्यों नहीं है, बड़े कॉन्सर्ट क्यों नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो छोटी छोटी भी अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसको इंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो कम करते हैं एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।